हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका। किचन मिल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चौलाई की रेसिपी। चौलाई मैंने अपने गार्डन में उगाई है। चलिए देखते हैं चौलाई कैसी होती है। आइए मेरी गार्डन की तरफ। ये देखिए, इस तरह से चौलाई का साग होता है। चौलाई दो तरह की होती है, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। मेरे पास रेड कलर की है, ये मैंने अपने किचन गार्डन में ही उगाई है। तो अभी हम इसको काटेंगे। पहले फ्रेंड्स, ये चौलाई बहुत फायदा करती है। चौलाई के साग को हम अमरनाथ लीव्स भी बोलते हैं। इस तरह से हमने पूरा चौलाई का साग काट लिया है। अब हम इसे साफ करेंगे। इसमें कौन सा पार्ट हमें काम में लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमें इसकी मोटी डंडियाँ काम में नहीं लेनी है। इस तरह से हमें इसको निकालना है, इस तरह से पतली पतली डंडियाँ। सारा चौलाई का साग हम इसी तरह साफ कर लेंगे। ये चौलाई का साग होता है, घर पर बहुत आसानी से उग जाता है। जैसे हम पालक, बथुआ, मेथी उगाते हैं, वैसे ये काफ़ी जल्दी उग जाता है बिना किसी मेहनत के। मैंने इस तरह सारे पत्ते साफ कर लिए हैं। अब मैंने अच्छे से धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी लगी रहती है। अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इनको काट लेंगे। ये मैंने चौलाई के पत्तों को अच्छे से धो लिया है और काट लिया है। इस तरह से हमें बारीक बारीक इनको चॉप करना है। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे मूंग चौलाई की दाल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। इसके लिए हमने एक बॉल कटा हुआ चौलाई का साग लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर है, इसको भी चॉप कर लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा, इसको बारीक काट लिया है। एक हरी मिर्च, तीन लहसुन की कली, इनको भी चॉप कर लिया है। ये हम इसमें धुली हुई मूँग की दाल काम में ले रहे हैं, ये 3/4 कप है। चलिए देखते हैं हम दाल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस दाल को भी धोना है अच्छे से। दाल को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। गैस पर एक कुकर रखेंगे, 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे। अदरक, लहसुन इसमें ऑप्शनल है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हमें टमाटर को थोड़ा पकाना है। पकने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे, इस तरह ढक्कन से इसको ढककर रख देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, देखिए टमाटर अपने सॉफ्ट हो गए हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक इसमें थोड़ा कम रखना है, जैसे पालक में नमक होता है वैसे इसमें चौलाई के साग में भी अपने आप में थोड़ा नमक होता है, तो आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं टेस्ट करके। थोड़ी सी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची हम बाद में भी डालेंगे इसलिए अभी थोड़ी सी डालनी है। सबको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चौलाई के पत्ते डालेंगे। हल्का सा इनको सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। आप देखिए पत्ते कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो हमने धो के रखी हुई थी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें 3.5 कप पानी डाला है। इसको ढक्कन बंद कर लेंगे। अब हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे।
एक सीटी आने के बाद हम इसको गैस बंद कर देंगे। सीटी इसमें निकल गई है, थोड़ी सी मैंने खुद भी निकाली थी क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी घुल जाती है। आधी सीटी ही रखी थी मैंने इसमें, तो चेक करते हैं। देखिए दाल अच्छे से पक गई है, इसमें पानी भी बिल्कुल सही है, हमें इतनी ही गाढ़ी रखनी होती है दाल। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन गैस पर रखेंगे, 1 टेबल स्पून घी, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। घी हल्का सा गर्म होने पर 1 चुटकी हींग डालेंगे, हमें हींग बहुत कम रखनी है। 1 चम्मच जीरा, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। मैं इसमें देगी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च पहले काम में ली है, आप चाहें तो तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। तड़का रेडी है, अब हम इसको दाल के ऊपर डालेंगे। फ्रेंड्स हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि इसका नेचुरल टेस्ट ही इसमें आना चाहिए, ज़्यादा मसाले से फिर इसका टेस्ट चला जाता है, इसलिए मैंने इसमें बहुत कम मसाले रखे हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी गर्मा गर्म दाल तैयार है, आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया डाल सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी, आप इस दाल को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।